जब हमारी कोई सीट छीन ली है तो हमारे पास ऐसी सीट रही है कि जो परमानेंट हमारी है, यह सीट हमारी है परमानेंट। भारत देश में कहीं ट्रेनें जाए क्या, कहीं ट्रेनें आए अपनी सीट रिजर्व है जी डबलिन वाली। तो आज जीटी से जल्दी तो आ गए 8:30 बजे, पर काम से फ्री नहीं हो पाए क्योंकि जब सिर में बाल बहुत बढ़ गए थे तो कटिंग करावे आ गए। 9:20 हो रहा है, आधे घंटा अब अभी फ्री नहीं हो पा रहा, मतलब 10 बजे तक फ्री हो पाएगा। ओम नमः शिवाय। चलो भैया सुबह हो गई, चलें ड्यूटी, भगवान शंकर के दर्शन करके, जय शिव शंकर। और इसके बाद हम आ गए डायरेक्ट भोपाल के श्री ख्यारापति हनुमान जी के दर्शन करने। तो दर्शन पूरे हो गए, अब चलें ऑटो में बैठकर नादरा बस स्टैंड की तरफ। और आज ऑटो में बहुत भीड़ मिली, खाली ऑटो तो मिल ही नहीं पा जो आगे निकल गए एक। और आज इतने तेज़ भगा रहा था पुलिया में से, जैसे चौथे गियर में चलाए ना वैसे इसने ऑटो ऐसे भगा, कमर तोड़ा रही लोगों की, दर्शकों में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो तो दोस्तों 8:20 हो गए, निकल चले, अब चलें स्टेशन की तरफ, नहा धो के तैयार होकर निकल चले अपन ऑफिस के लिए। आधे घंटा आगे पीछे होवे में पूरी टाइम लोकेशन बदल जा है और पूरा माहौल। मेमो तो आ ही गई, 8:35 आ गई, आज तो बहुत जल्दी आ गई। MST बनवावे आए थे, MST बन गई, अब चलें डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे। बहुत तेज रोशनी है कि MST बना के अब चलें रीवा इंदौर आ रही दौड़ के। चलो लग गई प्लेटफॉर्म पे मेमो, अपनी रीवा इंदौर आएगी 3 नंबर पे, अभी अपन 1 पे है, चलें 3 नंबर पे। सुबह स्टेशन के खूबसूरत नज़ारे। चलो मेमो तो गई, अपनी भी आवे वाली हैगी कुछ ही समय में। मेमो तो छूट गई, हारन होगा मेमो के, ऐसे खड़र बड़र ये मशीनें चल रही तो आवाज़ साफ नहीं आ रही। आ गए भैया 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अब ब्रिज पे जाओगे ऊपर फिर नीचे आओगे तो बड़ी देर लग जाए, पूरे 5-7 मिनट ख़त्म हो जाए हैं। बस आने वाली है रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर कुछ ही समय में। चलो आ गई अपनी रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर सुपर फास्ट, बहुत तेज गति में आ रही है रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर 11703 और 11704। चलो आ गई डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा, अंदर चलें। और क्या चाहिए किसी को? रीवा इंदौर खाली मिल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गई, खाली मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही जगह की, क्योंकि रीवा से चले डॉक्टर अंबेडकर नगर तक और सीवर वाली सवारी रही है डॉक्टर अंबेडकर नगर तक जाने वाली, खाली मिलने की कोई उम्मीद नहीं। जय श्री राम, श्री खेड़ापति सरकार। चलो दर्शन कर कर बाहर आ चुके श्री खेड़ापति सरकार के। ऑटो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा यार, चक्कर का है यार। अरे बहुत देर हो गई ऑटो नहीं आओ यार अभी तक,
ऑटो के इंतजार में, दर्शन तो करके आ गए भगवान श्री हनुमान जी के। चलो उतर गए जा ऑटो से नादरा बस स्टैंड पे, 9:40 हो गए आज तो पूरे जाए। बस तो निकल गई यार, दो निकल गई। चलो आ गई TRV 4, चलें स्टेशन। चलो आज का दिन पूरा हुआ, 6:40 और फ्री हो गए ऑफिस से। अब जल्दी चलें, थोड़े बस पकड़ लें। कौन सी खड़ी? TRV 4 खड़ी यार। चलो ठीक है यार, बस स्टॉप तक तो आई गए। चलो चलें, अपनी बस आ गई, अंदर चलें। ये शाम का ट्रैफिक। तो आज सुबह आए और सारे दिन कुछ नहीं कर पाया, बस इतना काम करा, आज इतना काम करा, बाहर निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अब शाम को चले, बस यही है, खाली पीली कुछ नहीं। चलो भैया आ गई स्टेशन, अब उतरा प्रेम भाव से। और पापा को मैं फोन लगा, अरे नीलेश जाना तो बड़े जल्दी उतार दो यार, SR5 वाले ने 10 मिनट लगन दे जाने को, बहुत बिगड़ भगाई लाल बस। चलो आ गए स्टेशन, 15 मिनट बाद आ रही GT, पूरे 15 मिनट है गए, जब तक मूँगफली खाएंगे क्या करें स्टेशन। 7:31, बहुत देर की पिटी, 1 घंटा से खड़ी है, मतलब 6:31 से खड़ी और 7:31 हो गए। चलो रांची के स्टेशन पर पिट गई आज GT। आज हमारी GT एक्सप्रेस 110 से 120 और 30 की स्पीड में फुल भगी, सांची तक तो बिल्कुल सांस नहीं ली, और सांची पे आके ऐसी पिटी के चक्कर। जब हमारी कोई सीट छीन ले है तो हमारे पास ऐसी सीट रही है कि जो परमानेंट हमारी है, जो सीट हमारी है परमानेंट। भारत देश में कहीं ट्रेनें जाए, क्या कहीं ट्रेनें आए, अपनी सीट रिजर्व है वाली। जब GT लग गई आज 8:15 पहले, मतलब 7:44 कल तो जाना टुस्का था, तो आधे घंटा खड़ी रही थी रंगाई पे, पर आज फिर भी सही टाइम पे उतार रहा। तो आज GT से जल्दी तो आ गए 8:30, पर क्राम से फ्री नहीं हो पाए क्योंकि जब सिर में बाल बहुत बढ़ गए थे तो कटिंग करावे आ गए। 9:20 हो रहा है, आधे घंटा अभी भी फ्री नहीं हो पा रहा, मतलब 10 बजे तक फ्री हो पाएगा।